हेलो गाइस, वेलकम टू नॉलेज एडिट्स। आज हम देखने वाले हैं फार्मास्यूटिकल ज्यूरिसप्रूडेंस के चैप्टर नंबर 5, ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940 एंड रूल्स देयर अंडर 1945 के एमसीक्यूज। गाइस, आप सभी को पता होगा कि पूरे सब्जेक्ट में, ये जो पीजे का पूरा सब्जेक्ट है, उसमें जो फिफ्थ चैप्टर है वो सबसे वास्ट चैप्टर है। इसलिए मैंने डिसाइड किया है कि मैं इसके अलग अलग पार्ट्स बना के आपको प्रोवाइड करूँ, तो जिससे आपको एग्जाम में बहुत आसानी होगी। तो गाइस, ज़्यादा समय ना लेते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बट गाइस, स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन पर क्लिक करके अपने फ्रेंड को जरूर सपोर्ट कीजिए। और अगर किसी बात का भी डाउट है तो आप इंस्टा पर मैसेज मुझे कर सकते हैं। सो गाइस, our first question is, dash are established to advise government on technical matters arising out of administration of act। मतलब जो एडमिनिस्ट्रेशन बना है उसमें अगर थोड़ा भी प्रॉब्लम आता है, टेक्निकल प्रॉब्लम्स आता है, टेक्निकल मैटर्स रहते हैं, तो उस समय एडवाइस गवर्नमेंट को कौन करेगा। यहाँ पर ऑप्शन दिया है DTAB। DTAB का फुल फॉर्म है ड्रग टेक्निकल एडवाइजरी बोर्ड। ऑप्शन बी दिया है DCC, ड्रग कंसल्टेटिव कमिटी। तीसरा है CDL, सेंट्रल ड्रग लेबोरेटरी। एंड ऑप्शन डी इज नन ऑफ द अबव। एंड गाइस, योर करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, DTAB। DTAB आर एस्टैब्लिश्ड टू एडवाइज गवर्नमेंट ऑन टेक्निकल मैटर्स अराइजिंग आउट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ एक्ट। सेकेंड, डैश आर फॉर्म टू एडवाइज टू बोर्ड एंड गवर्नमेंट टू सिक्योर यूनिफॉर्मिटी इन एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ एक्ट थ्रू आउट इंडिया। गाइस, क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से समझो। यहाँ पर बोला है कि ऐसा कौन सा कमिटी फॉर्म करेंगे जो बोर्ड और गवर्नमेंट दोनों को भी क्या करेगा, हेल्प करेगा, किस चीज़ों के लिए, टू सिक्योर द यूनिफॉर्मिटी, यूनिफॉर्मिटी को मेंटेन करने के लिए, पूरे एडमिनिस्ट्रेशन में यूनिफॉर्मिटी को मेंटेन करने के लिए कौन सी कमिटी बनाना पड़ेगा। यहाँ पर ऑप्शन दिया है DTAB, DCC, CDL, SDL। एंड योर गाइस, योर करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, DCC। DCC आर फॉर्म टू एडवाइज टू बोर्ड एंड गवर्नमेंट टू सिक्योर यूनिफॉर्मिटी इन एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ एक्ट थ्रू आउट इंडिया। थर्ड, डैश आर प्रोवाइडेड फॉर एनालिसिस ऑफ ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक। ऐसा कौन सा लेबोरेटरी प्रोवाइड किया जाता है जो दोनों को एनालाइज के लिए, ड्रग को भी एनालाइज करने के लिए और कॉस्मेटिक। ऑप्शन दे स्टेट ड्रग लेबोरेटरी, सेंट्रल ड्रग लेबोरेटरी, कंट्रोल लेबोरेटरी एंड बोथ ए एंड बी। एंड गाइस, द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, बोथ ए एंड बी। यस, बोथ ए एंड बी, स्टेट ड्रग लेबोरेटरी, सेंट्रल ड्रग लेबोरेटरी आर प्रोवाइडेड फॉर एनालिसिस ऑफ ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स। फोर्थ, चैप्टर 2 इंक्लूड्स ऑल एक्सेप्ट। अभी देखो, आपको बताओ, जो फिफ्थ चैप्टर है आपका बहुत वास्ट है, तो फिफ्थ चैप्टर भी अलग अलग पार्ट में डिवाइड हुआ है, चैप्टर 1, 2, 3, 4, 4A, 5, तो वो भी हर चैप्टर में कुछ ना कुछ बात है। तो यहाँ पर बोले कि जो भी, यहाँ पर चार ऑप्शन में से तीन ऑप्शन चैप्टर 2 के सिवाय एक, तो DTAB, DCC, CCDL, ये जो भी है सब चैप्टर 2 के। सो योर करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, इम्पोर्ट ऑफ ड्रग एंड कॉस्मेटिक। चैप्टर 2 इंक्लूड्स ऑल एक्सेप्ट इम्पोर्ट ऑफ ड्रग एंड कॉस्मेटिक्स। फिफ्थ, इफ इट इज टू कलर्ड, कोटेड, पाउडर्ड और पॉलिश दैट डैमेज इज कंसील्ड आर डीम्ड टू बी एस डैश। मतलब कोई ड्रग है, कोई प्रोडक्ट है, या उसको इतना कलर किया, इतना अच्छे से कोट किया, इसके ऊपर पाउडर, ऐसा पाउडर से उसको पैक किया है और ऐसा पॉलिश किया है कि डैमेज इज कंसील्ड। डैमेज इज कंसील्ड मतलब डैमेज, कंसील्ड का मतलब होता है छुपाना, मतलब एक ऐसा प्रोडक्ट जिसमें डैमेज, जो कहीं प्रोडक्ट में डैमेज हुआ है तो उसको छुपा रहे हैं, तो उस समय उस प्रोडक्ट को या उस ड्रग को क्या बोला जाएगा। यहाँ पर ऑप्शन दिया है अडल्ट्रेटेड ड्रग, स्पूरियस ड्रग, मिसब्रांडेड ड्रग, न्यू ड्रग। And guys, your correct answer is option C, misbranded drug. Yes, if it is too colored, coated, powdered or polished, the damage is concealed or deemed to be as misbranded drug. Guys, यहाँ पर जितने भी definitions हैं, adulterated drug, spurious drug, misbranded drug, new drug, ये सबको अच्छे से देख लेना, क्योंकि exam में इसमें से question आने के chances बहुत हैं। Sixth, if drug contain any harmful or toxic substance which may render it injurious to health are deemed to be as test. गाइस, क्या बोले कि ऐसा ड्रग जो कंटेन करता है कोई हार्मफुल और टॉक्सिक सब्सटेंस को, मतलब मिलाप वाला, मतलब चावल है उसके अंदर कुछ तो कंकड़ मिल गया, वैसे ही दवाई है, दवाई में कुछ अगर कुछ मिल गया तो प्रोडक्ट अडल्ट्रेटेड हो गया। तो ये करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, अडल्ट्रेटेड ड्रग। इफ ड्रग कंटेन एनी हार्मफुल और टॉक्सिक सब्सटेंस विच मे रेंडर इट टू इंजरियस टू हेल्थ आर डीम टू बी एस अडल्ट्रेटेड ड्रग। 7, ड्रग विच पर्पज टू बी अ प्रोडक्ट ऑफ मैन्युफैक्चरर ऑफ होम इट इज़ नॉट रूली अ प्रोडक्ट शाल डीम टू बी एस डैश। गाइस, बता दूँ कि क्वेश्चन में पूछा गया है कि एक ऐसा प्रोडक्ट, एक ऐसा ड्रग
जो ऐसा बोला है कि ये वाले मैन्युफैक्चरर ने बनाया, बट रियलिटी में ऐसा नहीं रहता है। मतलब वो क्या करते हैं, नकली प्रोडक्ट रहता है। तो नकली को हम क्या बोलते हैं, स्पूरियस। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, स्पूरियस ड्रग। ड्रग विच मे पर्पज टू बी अ प्रोडक्ट ऑफ मैन्युफैक्चरर ऑफ होम इट इज नॉट ट्रूली अ प्रोडक्ट शैल डीम टू बी एज स्पूरियस ड्रग। 8 गाइस, अभी जो क्वेश्चन है ना ड्रग इंस्पेक्टर और गवर्नमेंट एनालिस्ट के ऊपर मैंने बनाया है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कहीं ना कहीं किसी को पक्का पूछेंगे, इस बात का मेरा 100% का श्योरिटी है। अब यहाँ पर बोला है, इन रिलेशन टू आयुर्वेदिक सिद्धा और यूनानी ड्रग, एन इंस्पेक्टर अपॉइंटेड बाय सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट अंडर सेक्शन, कौन से सेक्शन में? सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, सेक्शन 33G। In relation to Ayurvedic Siddha or Yunani drug, an inspector appointed by central or state government under section 33G. Guys, section ko acche se yaad kar lo, exam mein confusion dur ho jayega. In relation to any other drugs or cosmetic, an inspector appointed by central or state government under section 10. Guys, yaad rakhna ki wahan par humne dekha tha ki jo inspector usko appoint kiya tha Ayurvedic Siddha or Yunani ke liye, aur abhi yahan par inspector ko appoint kiya hai किसके लिए, अदर ड्रग एंड कॉस्मेटिक के लिए, तो कौन से सेक्शन में? सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, सेक्शन 21। इन रिलेशन टू एनी अदर ड्रग्स और कॉस्मेटिक एन इंस्पेक्टर अपॉइंटेड बाय सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट अंडर सेक्शन 21। देन इन रिलेशन टू आयुर्वेदिक सिद्धा और यूनानी ड्रग, गवर्नमेंट एनालिस्ट अपॉइंटेड अंडर, वहाँ पर ड्रग इंस्पेक्टर था, यहाँ पर गवर्नमेंट एनालिस्ट है। याद रखना कि गवर्नमेंट एनालिस्ट के भी पूछा जा सकता है एग्जाम में। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, सेक्शन 33F। इन रिलेशन टू आयुर्वेदिक सिद्धा और यूनानी ड्रग, गवर्नमेंट एनालिस्ट अपॉइंटेड अंडर सेक्शन 33F। गाइस, ड्रग इंस्पेक्टर और गवर्नमेंट एनालिस्ट दोनों के सेक्शन को अच्छे से याद कर लेना, वो जी था, ये एफ, जी एफ, ऐसा याद रखना। 11 इन रिलेशन टू एनी अदर ड्रग्स और कॉस्मेटिक अ पर्सन अपॉइंटेड अंडर सेक्शन 20, ऊपर सेक्शन 21 था, इसलिए ड्रग इंस्पेक्टर था, सेक्शन 20 है, तो कौन सा रहेगा? सर करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, गवर्नमेंट एनालिस्ट। इन रिलेशन टू एनी अदर ड्रग्स और कॉस्मेटिक अ पर्सन अपॉइंटेड अंडर सेक्शन 20 ऑफ डी एंड सी एक्ट आर कॉल्ड एज गवर्नमेंट एनालिस्ट। 12 अभी यहाँ पर जो 12, 13, 14 थे, ये तीनों डेफिनेशन को ध्यान से रखो, क्योंकि बच्चे यहाँ पर कंफ्यूज होते हैं और एग्जाम में यही पूछा जाता है। लाइसेंस प्रीमाइसिस फॉर सेल ऑफ ड्रग which do not require the service of qualified person. So your correct answer is, correct answer बताने से पहले question को समझाता हूँ कि एक ऐसा license premises जहाँ पर एक ऐसा store है जहाँ पर license है, but वहाँ पर किसी qualified person की ज़रूरत नहीं है, तो उस जगह को हम क्या बोलेंगे? सिर्फ जगह को, सिर्फ हम दवाई को सेल कर सकते स्टोर करने के लिए। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, ड्रग स्टोर। License premises for sale of drug which do not require service of qualified person are called as drug store. 13 license premises for sale of drug which requires service of qualified person, yahan wahan par qualified person ka service nahi chahiye tha, but yahan par chahiye, but yahan par drugs are not compounded against the prescription, matlab yahan par chitti dene ke baad bhi hum prescription ko compound nahi karte, to yahan par option diya hai drug store, chemist and druggist, pharmacy, retail sales. So your correct answer is option B, chemist and druggist. License premises for the sale of drug which requires service of qualified person. मतलब वहाँ पर सर्विस लगती है, बट वहाँ पर हम ड्रग को कंपाउंड नहीं करते, सिर्फ डिस्पेंस करते हैं. So your correct answer is option B. 14 License premises for the sale of drug which requires service of qualified person and where drugs are compounded against the prescription. देखो यहाँ पर दोनों भी, यहाँ पर qualified person भी लगता है और drug against the prescription compound भी होता है. So correct answer is option D, pharmacy. License premises for sale of drug which require the service of qualified person and where drugs are compounded against prescription are called as pharmacy. 15 Chapter 4A related to, मैं आपको बताया कि अलग अलग chapter है, तो chapter 4A कौन से related है? तो import of drug and cosmetic है, कि manufacture, sale and distribution है of DNC या provision relating to Ayurvedic Siddha and और Yunani drugs है, कि miscellaneous है. तो guys आपको बता दूँ, जो आपका option A है वो chapter 3 से related है, आपका option B है वो chapter 4 से related है, और option C है वो chapter 4A से related है. The correct answer is option C, provision relating to Ayurvedic Siddha or Yunani drug. Hope so guys, आपको ये वीडियो पसंद आया है. अगर पसंद आया तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और
बेल आइकन पर क्लिक करके सपोर्ट तो जरूर करना, और किसी भी बात की डाउट है तो आप मुझे इंस्टा पे मैसेज कर सकते हैं। और गाइस बड़े दिनों के बाद वीडियो बना रहा हूँ क्योंकि मेरे बहुत सारे काम हैं, बट फिर भी मैं आपके लिए वीडियो बना रहा हूँ। तो आपका काम होता है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा एग्ज़ाम के लिए बच्चों को सपोर्ट करें।